रियल एस्टेट के लिए कोरोना काल एक बुरा ख्वाब साबित हुआ है। एक रिसर्च एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट में जनवरी से सितंबर के दौरान हुई बिक्री में कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर के दरमियान देश के 7 बड़े शहरों में 88,730 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की बिक्री हुई है। इस दौरान करीब 87,460 यूनिट की बिक्री हुई। ये जनवरी सितंबर 2019 के 1,54,320 करोड़ के मुकाबले 65,590 करोड़ कम है। वहीं पिछले साल की पहली तिमाही में 2,02,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। अगर सभी 7 शहरों को अलग अलग देखें तो फिर मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन यानी MMR को सबसे कम नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक MMR में 22% की गिरावट के साथ कुल 49,313 करोड़ की बिक्री हुई। दिल्ली NCR में 62% की बड़ी गिरावट के साथ 9,430 करोड़ के फ्लैट्स बिके। पुणे में 8,692 करोड़ के फ्लैट्स बिके। बेंगलुरु में 12,569 करोड़, हैदराबाद में 3,116 करोड़, कोलकाता में 2,833 करोड़ और चेन्नई में 2,777 करोड़ कीमत के फ्लैट्स बिके। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि ये गिरावट अब बीती बात हो चुकी है। तिमाही दर तिमाही घरों की बिक्री बढ़ी है। अप्रैल जून के मुकाबले जुलाई सितंबर तिमाही में फ्लैट्स की बिक्री 134% तक बढ़ गई। ऐसे में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में त्योहारों के साए में डेवलपर्स को बिक्री में जोरदार उछाल आने की उम्मीद है। कोविड का प्रभाव मार्च से जुलाई तक रहा, लेकिन जुलाई से काफी बिक्री बढ़ी है और अक्टूबर से दिसंबर में त्योहारों के सीजन में बम्पर सेल आने की उम्मीद है। सभी लोग इस त्योहारी सीजन में अपना घर लेने का सपना सजोए हुए हैं और वो इस बार पूरा होगा। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी घटने के बाद घरों की बिक्री में तेजी आई है, उससे अब बाकी राज्यों के डेवलपर्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा बिक्री से सरकार को ड्यूटी घटाने के बावजूद स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन में कोई नुकसान नहीं होगा। जो रेंट पे रहता है वो अपना खुद का घर लेना चाहता है, जो 2 बेडरूम में रह रहा है वो 3 बेडरूम 4 बेडरूम में शिफ्ट होना चाह रहा है एंड सो ऑन। सो एवरीबडी आफ्टर कोरोना वायरस इज लुकिंग फॉर एन अपग्रेड इन देयर हाउसिंग सिचुएशन और इसीलिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोरोना ने रिहायशी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इसे उबरने में वक्त लग रहा है। लेकिन अगर बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की तो फिर डेवलपर्स का दावा है कि इसकी डिमांड में सोशल डिस्टेंसिंग का चलन बढ़ने से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इनकी दलील है कि RBI का रेपो रेट में बदलाव न करने का फैसला भी इकोनॉमी में स्थिरता आने के संकेत है। आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक न्यूज जो रेपो रेट गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। इट शोज साइंस ऑफ स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अब पैनिक बटन नहीं है, अब पैनिक नहीं हो रहा कि नहीं वी नीड टू कट इट मोर, वी नीड टू सपोर्ट द इकोनॉमी मोर। नाउ द गवर्नमेंट हैज आल्सो रियलाइज्ड कि धीरे धीरे थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। रियल एस्टेट के अंदर भी डिमांड इज गोइंग अप, कमर्शियल के अंदर एवरीवेयर द डिमांड इज नाउ स्टेडली स्लोली एंड स्टेडली गोइंग अप। डेवलपर्स के इन सभी दावों का असल इम्तिहान फेस्टिव सीजन में होगा। इस हफ्ते के आखिर में नवरात्र के साथ ही त्योहारों का आगाज होगा। अब देखना यही है कि डिस्काउंट्स, ऑफर्स और स्कीम्स के बीच किस हद तक रियल एस्टेट सेक्टर ग्राहकों को लुभाने में कामयाब हो पाएगा।